क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? माणिक चक्रवर्ती सर। सर अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करवा दीजिएगा। सर आपके पास कोई कॉल आया था? कॉल तो आया था। हाँ अकाउंट का केवाईसी नहीं करवाया है, जिस वजह से आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है। मैं कल ही बैंक आकर अपना केवाईसी करवा लेता हूं मैडम। आप घर में बैठे ही अपना केवाईसी खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। वो कैसे मैडम? आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और उसमें टाइप कीजिए KYCQS। हाँ मैडम। उसके ऊपर में जो ऐप दिख रहा है उसे इंस्टॉल करें। हो गया मैडम। अब आप उस ऐप को ओपन कीजिए, उसमें एक आईडी दिखेगा 1052। अरे अरे मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है। अरे कोई रोको, अरे पैसा कट रहा है जे। अरे 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 मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, अरे फिर गिरने के लिए। अरे और उसके बाद मेरे 3 लाख रुपए कट गए सर, 3 लाख रुपए कट गए। सर एक बात आप और कंफर्म करा दीजिए, क्या आपके अकाउंट में 3 ही लाख रुपए थे? नहीं सर, मेरे अकाउंट में कुल 640,000 रुपये थे सर, जिसमें से 3 लाख रुपए कट गए सर, 3 लाख रुपये। पूरी सहायता की जाएगी सर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके रुपये आपको रिफंड मिल जाएंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन रिफंड होने का प्रोसेस शुरू होने से पहले एक बात जान लीजिए कि अपना बैंक डिटेल्स जैसे कि नंबर, CVV, OTP किसी को ना बताएं।
बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं बताएंगे। जैसे कि आपने बताया है आपके रुपए किसी ऐप के थ्रू कटे। हाँ सर, आपका रिफंड भी उसी ऐप के जरिए ही हो पाएगा। अच्छा, क्या वह ऐप आपके मोबाइल में अभी भी उपलब्ध है? हाँ सर, मौजूद है सर। हाँ है सर। उस ऐप को ओपन कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ ओपन हो गया सर। इसमें 11 डिजिट का एक आईडी होगा। हाँ है सर। सर वो आईडी मुझे बतलाइएगा। सर आईडी बतलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, पिछली बार आईडी बताए थे तो पैसा कटने लगा था सर। सर एक बात जान लीजिए, आप बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको रिफंड का ही प्रोसेस बता रहा हूँ, कृपया कोऑपरेट करें। सर पैसा नहीं ना कटेगा सर, पक्का है ना सर? आप बेकार में घबरा रहे हैं सर, पहले आप आईडी तो बताइए। अभी आपके 3 लाख का रिफंड आपके अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा तो ठीक है सर, नोट कीजिए सर, 7 9 5 3 4। सर आपका रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जी जी सर। जब तक पूरा पैसा रिफंड नहीं हो जाता है तब तक कृपया लाइन पे बने रहें। जी जी। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये तो फिर पैसा कट रहा है। हेलो सर, ये तो फिर पैसा कट रहा है सर। एक मिनट आप और लाइन पे बने रहिए कि सारे रुपए आपके बैंक में सही सलामत चले जाएंगे। जी सर, जी सर। अरे 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 ये तो फिर से कट रहा है। अरे अरे ये तो फिर से पैसा कट रहा है। अरे ये तो सब पैसा कट जा रहा है। हेलो 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 सर, सर ये तो फिर से सारा पैसा कट जा रहा है सर। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको, ये क्या हो रहा है? अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे फिर मैं बर्बाद हो गया, अरे मेरे सारे पैसे कट गए, अरे मेरे सारे पैसे कट गए, मेरा पैसा। अरे बेटा मैं तो बर्बाद हो गया बेटा, फिर से पैसा कटते जा रहा है बेटा। पहले आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल? अच्छा हम भी कर देते। क्यों? जब इस ऐप से आपका एक बार पैसा कट चुका है तो इस ऐप को अपने मोबाइल में क्यों रखे? अरे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल तो कीजिए। देखिए मैं पुलिस प्रशासन के नाते मैं अपने क्षेत्र के जनता को मैं बार बार यही कहना चाहता हूं और लोगों को सुझाव भी देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अनजान बन कर के और वो कहेगा कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं और उनके कहने पर उनके झांसे में आकर के कोई भी आप अपना मोबाइल में कोई भी ऐप को खोलने का प्रयास नहीं करें। अगर आप खोलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने खाते का जितने भी बैलेंस है वो आपको निकासी हो जाएगी, तब आप थाने के चक्कर में आएंगे, दौड़ते रहेंगे, आप परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि किसी भी ऐप को खोलने का प्रयास न करें, कहीं भी डरे नहीं, कोई भी फोन करता है तो डरे नहीं, उनको बात समझ ले, अगल बगल से भी समझ ले, इसके बाद खोलने का प्रयास करें और आप अपने को होशियार रखें। साइबर क्राइम जितने भी हैं लोग ठगी करते हैं, किसी भी रूप से ठग लेंगे, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें।